नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार लाइव, आपके साथ मैं हूं धीरज। सुषमा स्वराज के निधन को लेकर देश भर में शोक की लहर देखी जा रही है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने एक बड़ा नेतृत्व खोया है, इनको लेकर भाजपा में काफ़ी शोक की लहर देखी जा रही है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो पटना भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें श्रद्धांजलि सभा में तमाम भाजपा के नेतागण मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और सभी मिलकर सुषमा स्वराज के चित्र पे पुष्प अर्पण किए और वहीं उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आपको बता दें कि इसमें नेताओं की अगर बात की जाए तो इसमें सीपी ठाकुर, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव जैसे बड़े बड़े तमाम नेता मौजूद रहे और उनके चित्र पे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देखें किस तरह से नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजधानी पटना के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सुषमा स्वराज के निधन को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बीजेपी नेताओं ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंचतत्व में विलीन सुषमा स्वराज की आत्मा की शांति हेतु नेताओं ने एक मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि सुषमा बीजेपी की एक नेता ही नहीं थी बल्कि लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थी। उनका बिहार से गहरा रिश्ता रहा, उनकी कमी को भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाएगी। वे अक्सर आम जनता के साथ हमेशा घुली मिली रहती थी, इसलिए उन्हें एक जमीनी नेता माना जाता था। बहुत मुझे तो बहुत मानती थी, छोटे भाई के समान मानती थी और उनको मिलने के बाद मैंने कहा लगता नहीं था कि हमको बहुत बड़े नेता से मिलना है। जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति रही है, कार्यकर्ता का स्वभाव, चाहे किसी बड़े पद पर चले जाओ आप, वो पूरा का पूरा जीवन सुषमा जी ने जीने का काम किया। सामान्य कार्यकर्ता से लेकर इतने बड़े पदों पर बैठने वाली सुषमा जी कभी किसी कार्यकर्ता को एहसास नहीं होने दिया वो इस बड़े कुर्सी पर बैठ करके कोई बड़ी हो गई हैं, ऐसा किसी कार्यकर्ता को भी लगा नहीं। और क्या सरस्वती की कृपा थी, ओजस्वी वक्ता के रूप में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मंच हो, चाहे वो कोई चुनाव का मंच हो, चाहे पार्लियामेंट का मंच हो, हर मोर्चे पे उनकी ओजस्वी वाणी ने विरोधियों के सारे तर्क को ध्वस्त करने का काम किया। 14 से 19 के बीच में जब विदेश मंत्री के नाते उन्होंने काम किया, उन्होंने अतुलनीय काम किया। सामान्य रूप से विदेश मंत्रालय के बारे में हम लोग की धारणा है कि आम आदमी का उससे कोई मतलब नहीं होता। दुनिया के विभिन्न कोनों में बसे हुए भारत के लोग जब कभी संकट में पड़े, जब कठिनाइयों में पड़े, और सुषमा जी को केवल ट्वीट किया उन्होंने, एक ट्वीट के बल पे दुनिया के किसी कोने में फंसे हुए भारतीयों को बचा करके भारत लाने का काम, उनको संरक्षण देने का काम, व्यक्तिगत पहल करने का काम, मुझे याद नहीं है कि आज तक कभी किसी और विदेश मंत्री ने काम किया। और पूरी जो उनकी उनका चित्र आप देखते हैं तो साक्षात लगता है कि भारत के नारी की जो कल्पना हम सबके मन में है वो पूरी की पूरी कल्पना उसमें साकार होती हुई दिखाई पड़ता है। और सुषमा जी ने जीवन पर्यंत इस विचारधारा के लिए अपने को समर्पित किया। और आपने देखा जब उनका अंतिम समय आया उस समय भी केवल 2 घंटे पहले वो ट्वीट करती हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य पूरा हो गया, खास करके 370 के मामले में। और काम का प्रकार ऐसा, मन के भाव ऐसे कि आज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, जिन लोगों का मतभेद हमारी विचारधारा से, उन लोगों ने भी सुषमा जी के प्रति जो भाव व्यक्त किया है, सुषमा जी के बारे में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं वो इस बात को दर्शाता है कि सुषमा जी केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि देश और दुनिया में एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुकी। जैसा कि आपने देखा, नेताओं का साफ कहना है कि सुषमा स्वराज की कमी हमें हमेशा खलेगी, उनकी जगह हमारी पार्टी में कोई नहीं ले सकता। वह खुद में एक अच्छी नेत्री के साथ साथ वह एक अच्छी महिला भी थी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं धीरज कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।